अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी रेसिपी फ्री में देखने मिलेगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भजिया कढ़ी, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और हम इससे चने की दाल से बनाएंगे भजिया कढ़ी, तो चने की दाल होती है उससे। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है, देखिए हमारी दही है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये हमारी एक पैकेट 500 ml छाछ का पैकेट है, ये लहसुन है, ये दाल हमारी 250 ग्राम है, और ये कोरिएंडर है बारीक कटा हुआ, धनिया। तो ये मैंने दाल को 1 घंटा पहले भिगो दिया था, 1 से 2 घंटा आप भिगाएंगे तो बस बहुत हो जाती है। और ये हमारा खोपरा, प्याज सब हमने काट वाट के सब तैयारी करके रख लिए। देखिए हमने दाल को बारीक पीस लिया है, पहले 1/2 कटोरी दाल ये हमने एकदम बारीक पेस्ट के जैसा पीसा, ये हम कढ़ी में यूज़ करेंगे। तो जो कढ़ी में यूज़ करने के लिए हम दाल को पीसेंगे, एकदम बारीक पेस्ट, एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे उसका, तो कढ़ी क्या हमारी अच्छी गाढ़ी बनेगी और फाइन पेस्ट बनेगी। और बाकी की दाल को हमने दरदरा पीस लिया, इसको इससे हम भजिया बनाएंगे। देखिए एकदम फाइन पेस्ट है ये, 1 कटोरी 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ऊपर है। और ये हमने हमारा खोपरा भी ग्राइंड कर लिया, इसको भी अच्छा बारीक पीस लिया हमने खोपरे को भी। ये हमारा अदरक का पेस्ट पिसा हुआ रखा था, इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून लहसुन ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हमारा जिंजर था, बस इतना हल्का, एकदम लाइट मसाला यूज़ करेंगे हम, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि फ्रीज में रखा था ना तो वो थोड़ा पानी अलग हो गया था, तो अच्छे से उसको मिक्सअप कर लेंगे। अब हम पहले हम अपनी कढ़ी चढ़ाएंगे, बाद में हम अपनी भजिया तलेंगे। तो मैंने एक चम्मच मैंने ऐड किया इसमें, बड़ा चम्मच जो हम लेते हैं कढ़ी में, तो वैसे भी तेल अगर अच्छा यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो 1 ही बड़ा चम्मच मैंने अभी तेल लिया है, इसमें प्याज और कड़ी पत्ता थोड़ा डाल दिया है। तो प्याज को हम लाल करेंगे, अच्छी गोल्डन करेंगे, जैसा मसाला भूनने के लिए हम प्याज करते वैसे ही लाल करेंगे। और कड़ी पत्ता इसलिए डाले कि इसकी खुशबू से कड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए मेरी प्याज भी लाल हो गई है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड करेंगे, उसको भूनेंगे अच्छी तरीके से, जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। हमारा बाहर का जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है, जो घर में फ्रेश वही हमने अभी पीसा है, अब वही डाला है। आपके पास अगर बाहर का अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो हम अच्छे से उसको भून लेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, तो हल्दी हमने 1/2 टेबल स्पून डाली है, लेकिन हम हल्दी इसमें और डालेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि हल्दी इसलिए ज़्यादा डालेंगे क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसके वाइट है, अभी छाछ है, दही है और दाल सब वाइट है ना, तो इससे पूरी वाइट दिखेगी, तो हल्दी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। और सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट भी हमने साथ में डाल दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डालिए कि आपको जितना ज़्यादा पसंद है। ये हमारी हरी मिर्ची, हमने इसको बारीक बारीक काट के रख लिया था, आप मिक्सी में भी साथ में अदरक लहसुन के हरी मिर्ची पीस के डाल सकते हो, लेकिन मैंने बारीक बारीक काट के, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे हम। देखिए हमारा तेल हल्का हल्का साइड से मसाले से तेल अलग हो रहा है, तो इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, मेरे पास अभी पिसा हुआ नहीं है तो मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये हमारी 1 पैकेट 500 ml की जो अमूल छाछ की पैकेट आती है वो डाला है हमने इसमें, तो वो छाछ थोड़ी खट्टी होगी ना, तो जो कढ़ी का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। ये हमारा जो पिसा हुआ जो पेस्ट था जो दाल का, वो भी साथ में इसमें ऐड कर दिया है, तो थोड़ी खट्टी छाछ और थोड़ी खट्टी दही, ये दही भी हमारी 100 ml है, तो ये 100 ग्राम दही है, तो उसको भी साथ में डाल देंगे। ये हमारा पिसा हुआ खोपरा, हमारा जो गीला खोपरा था, सूखा खोपरा नहीं था, गीला खोपरा मैं इसमें यूज़ करती हूँ, आप चाहो तो सूखा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गीला खोपरा यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप सबको मिक्स करेंगे। देखिए हल्दी मैंने ज़्यादा डाली थी, फिर भी थोड़ी वाइट हो गई ना, तो कढ़ी क्या वाइट हो जाती है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसके वाइट ही है। अब इसमें हम अच्छा पानी डालेंगे, जितना जो छाछ था 1/2 लीटर का पैकेट, उसका डबल मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो अब इसको हम अच्छे से पकने देंगे, जितने अच्छी पकेगी ना ये उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा, तो इसलिए हमने पहले कढ़ी चढ़ा दिया, तो कढ़ी क्या अच्छे से पकते रहेगी। अब हम अपने पकौड़े की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया, तो वो भी इसमें ऐड कर दिया, कोथमीर पुदीना बारीक काट के ऐड कर दिया इसमें, हल्दी नमक सॉल्ट टू टेस्ट, हरी मिर्ची, सब कुछ इसमें एक साथ ऐड करके हम
इसको पकौड़े बनाएंगे सॉल्ट टू टेस्ट। तो पकौड़े भी इसके बहुत अच्छे बनते हैं, अच्छे इसलिए क्योंकि ये जो भजिया के हमारे पकौड़े हैं ये कढ़ी में ना गलते नहीं, घुल नहीं जाते, जो इसका अंदर का जो सॉफ्टनेस है वो तो रहता ही है लेकिन ये फूटती नहीं है कढ़ी में। तो हम अभी इसको अच्छी तरीके से देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया है, हम इसको कम तेल में फ्राई करेंगे, एकदम डीप फ्राई नहीं डालेंगे। तो हमारे कम तेल में जब हमारी भजिया फ्राई हो जा रही तो हम क्यों डीप फ्राई लें। तो हमारा तेल देखो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने पकौड़े, आप जितना साइज़ का पसंद करते हो बड़ा छोटा वैसे पकौड़े आप डाल सकते हो। तो मैंने थोड़े मीडियम साइज़ के पकौड़े और थोड़े अच्छे गोल्डन क्रिस्पी कलर तक इसको अच्छा फ्राई किया है। तो ये चने की दाल की भजिया के जो कढ़ी होती है ना उसमें अलग ही टेस्ट होता है, जो बेसन की कढ़ी का टेस्ट है वो अलग होता है। तो ये जो चने की दाल की भजिया है ना ये कढ़ी में घुलती नहीं है, अक्खी अक्खी रहती है और उसका टेस्ट है ना जितना देर वो कढ़ी में पड़े रहती है और बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन वो फूटती नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप बेसन की बनाओगे तो वो बहुत जल्दी उसमें मैश हो जाती है, घुल जाती है उसमें। तो इसलिए मैंने आपको आज चने की दाल की भजिया की कढ़ी बनाना बता रही हूँ, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक मेन पॉइंट है कि अगर इसमें दही और छाछ खट्टी होना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे दही और छाछ हमेशा याद रखिए कि हम कढ़ी में दही और छाछ थोड़ा खट्टा ही ले तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है। देखिए हमारी कढ़ी कितनी अच्छी पक रही है, अच्छे तरीके से एकदम फास्ट पे पकाना है, जब तक ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाए तो हम इसको फास्ट पे ही बॉईल करेंगे और ढक्कन खोल के बॉईल करेंगे, ढक्कन नहीं ढाकेंगे। अगर ढक्कन ढाके हमने कढ़ी पे तो कढ़ी पूरी ऊपर तक बाहर आ जाएगी ढक्कन से और पूरा हमारा किचन भी मैशी हो जाएगा, हमारा यूटेंसिल भी पूरा अनटाइडी हो जाएगा। देखिए हमारी अच्छे तरीके से भजिया भी अच्छी गोल्डन गोल्डन हो गई है और भजिया में भी आप थोड़ा ऑनियन की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखेंगे ना तो अंदर से अच्छी सॉफ्ट रहेगी। अच्छी गोल्डन होने तक हम इसको पकाएंगे और विदाउट कढ़ी भी ये भजिया भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, कोई मेहमान आए तो बना सकते हैं, रमज़ान में भी आप इसको बना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है चने की दाल की भजिया की भजिया, जिसको पसंद है उसके लिए। लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं और तेल भी बहुत ही कम यूज़ करती है ये, मतलब बहुत ही कम तेल लेती है कढ़ी भी और भजिया भी बहुत कम तेल ऑब्जॉर्ब करती है, ऑब्जॉर्ब ही नहीं आ रहा था मुझे। देखिए कितनी अच्छी हमारी गोल्डन कलर की भजिया रेडी हो गई है, कितनी खूबसूरत दिख रही है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। बच्चे तो रुखी रुखी खा जाती है भजिया, चने की दाल कितनी अच्छी लगती है। देखिए जब आप हमारी कढ़ी भी देखिए कितनी अच्छी खोल रही है, मतलब ऐसा खोलना चाहिए कढ़ी, जितनी अच्छी खोलन आएगी जितनी अच्छी वो पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। अभी हल्की हल्की सी गाढ़ी हुई है, देखिए हमारा नमक देखिए कितना उसमें ऊपर तक पानी था, वो पक पक के अभी उसका थोड़ा नमक उसका कम हो गया है, तभी और पकेगी, थोड़ी गाढ़ी होएगी जब भी हम गैस को बंद करेंगे। इसलिए हमेशा भजिया कढ़ी बनाने से पहले है ना कढ़ी को चढ़ा देने का कि वो पकते रहे और अपने भजिया का अपन यहाँ तैयारी करते रहे। देखिए हमारी हमने सारी भजिया को तल लिया था, सारी भजिया को तल के निकाल ली, कितनी अच्छी हमारी भजिया दिख रही है, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी। प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए हमारी कढ़ी भी देखो थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तब ये स्टेज पे मैंने गैस को थोड़ा स्लो किया है, बस अब गाढ़ी हो गई है। अब हम भजिया डाल के 5 मिनट इसको पकाएंगे। आप नहीं भी पकाओगे ना तो वो इतनी गर्म है कि वो थोड़ा भजिया भी है ना थोड़ा ऑब्जॉर्ब करेगा उसका पानी। तो इसको सारी भजिया को हम सारे पकौड़ों को सब डाल देंगे एक साथ, 5 मिनट भी मत पकाना, 5 मिनट से भी कम पका के उसको बंद कर देना। देखिए सारी भजिया को हमने डाल दिया है, बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी बनती है हमारी ये कढ़ी। तो प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइए कैसे बनी। देखिए अभी कितनी पतली है, अभी ये और थोड़ी गाढ़ी होगी, देखिए थोड़ी पकेगी इसके साथ, देखिए कितनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। शाम को अगर आप दिन में पकाओगे तो शाम तक अगर इसके चलेगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, मॉर्निंग तक रखे रहेगी तो और गाढ़ी हो जाती है ये। तो इसका वो जो गाढ़ापन का टेक्सचर है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर से, हमारी धनिया से। तो प्लीज़ बताइए आपको कैसी लगी है और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइए आपने ये ट्राई किया और आपको ये बहुत ही अच्छी लगी है। तो जब ट्राई करेंगे तभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। देखिए कितनी अच्छी हमारी, देखिए कितना ये देखिए ठंडी होने के बाद देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। तो ये और ठंडी होगी, अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है तो ये और ठंडी होगी और गाढ़ी होगी और टेस्टी हो जाएगी ये।
तो कढ़ी हमारी गाढ़ी ही होनी चाहिए, जब तक वो गाढ़ी नहीं होगी उसमें टेस्ट नहीं आएगा। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया, ये कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा बाउल में पकौड़े वाली कढ़ी, सोने पे सुहागा हो गया, कढ़ी में पकौड़े पड़ गए तो कितनी खूबसूरत लग रही है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।